सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। वैसे भी ऑलरेडी ये मंथ मार्केट बहुत साइडवेज हो गया है, सो आज का भी दिन साइडवेज में ही गया है। मॉर्निंग में जो मूव आया था वही ऑलमोस्ट सबने कैप्चर किया था। उसके बाद मार्केट 50 टू 60 पॉइंट के रेंज में मार्केट घूम रहा था। हम लोगों ने सेलिंग की थी, मैंने सेलिंग की थी ऑलमोस्ट, और मेरे ग्रुप में जितने हैं हम लोगों ने सेलिंग की थी आज। सो प्रॉफिट बना, बट नॉट इतना कि बोल सके कि हाँ एक प्रॉफिट बना। ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोगों ने भी कट किया अपना प्रॉफिट आज का। और एनालिसिस करते हैं कि कल मार्केट कैसा रहने वाला है, कल कोई अपॉर्चुनिटी बनती है कि नहीं बनती है बैंक निफ्टी में और निफ्टी फिफ्टी में। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपना स्क्रीन पर चलते हैं। सो यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी की चार्ट लगा हुआ है, निफ्टी फिफ्टी का। सो हम लोग सीधा एनालिसिस करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे शुरू करते हैं, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देखें तो मार्केट एक रेंज में है, अभी भी एक रेंज में है। यहाँ से यहाँ तक का मार्केट का एक रेंज है। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट बनाया है, उसके बाद एक सपोर्ट हमको ऊपर दिखता है यहाँ पे। ओके, मार्केट ने एक ये रेंज बना दिया। अब हम डीप एनालिसिस करते के 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है हमको। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देखें अगर तो यहाँ से मार्केट एक टर्न लेने के चांसेस हैं मार्केट के, कि मार्केट यहाँ से घूम सकता है। ओके, फिर हम चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 13 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। 13 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको ये दिख रहा है कि मार्केट कोई लेवल बन रहा है नहीं, यहाँ पे कोई लेवल नहीं बन रहा है। ओके, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मुझे एक ये लेवल दिख रहा है। टाइम फ्रेम पे निफ्टी फिफ्टी में यहाँ पे एक ये लेवल बना हुआ है। ओके, सो ये हो गए लेवल्स। अब हम वेट और नीचे के लेवल्स बनाते हैं कि मार्केट अगर नीचे ओपनिंग देता है तो कहाँ तक जा सकता है। एक ये लेवल हो गया, फिर एक ये लेवल हो गया, देन एक ये लेवल हो गया। अपसाइड का देख लेते हैं। अपसाइड का ये अगर ब्रेकआउट देता है तो ओके, ओ एक ये लेवल मुझे दिख रहा है। सो ये लेवल मुझे दिख रहा है निफ्टी फिफ्टी के लिए, ठीक है। और यहाँ से आपको एक ये सपोर्ट, मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। और ये जो एनालिसिस है ये ऑलमोस्ट आपके लिए वीक की, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 दिन कवर कर देगा ये पूरा जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ अभी। ये निफ्टी फिफ्टी की हो गई, अब फिर निफ्टी बैंक में जाते हैं। मैं एनालिसिस कैसे करता हूँ वो भी आप इसमें सीख सकते हो कि मैं खुद एनालिसिस कैसे करता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम। वैसे तो देखो लोग डे से शुरू करते हैं, वीक से शुरू करते हैं, बट वी आर इंट्राडे ट्रेडर्स। हमको 1 डे 4 डे पे जाने, हम लोग स्टार्टिंग 4 डे से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें आपको। बहुत मतलब मैं एनालिसिस करता हूँ, मुझे कन्फ्यूजन होती है तो मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाके एनालिसिस कर सकता हूँ कि हाँ बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है सिनेरियो। यहाँ पे भी वही सिनेरियो फॉर्म हुआ है। सीधा 15 मिनट पे आता है। 15 मिनट पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक एंड, यहाँ पे भी वही सेम जो निफ्टी फिफ्टी बन रहा था यहाँ पे बना हुआ है। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है बहुत बार, और सेम एक यहाँ पे लाइन बन रही है और एक लाइन यहाँ बन रही है। यहाँ पे एक रजत सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट यहाँ पे 2 बन रहा है। देन अपसाइड के लिए ओके, एक ये सपोर्ट बन रहा है। जब तक ये जोन नहीं क्लियर होगा ये वाला लेवल, तब तक मार्केट अपसाइड, अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो अपसाइड, और अगर कल मॉर्निंग में यहाँ पे कहीं पे डाउन ओपन होता है तो अपने नीचे साइड की ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट और बन रहा है यहाँ पे। सो ये रहा एनालिसिस है आपका।
आपके लिए है निफ्टी बैंक का, ठीक है, छोटे मोटे लेवल्स बन रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं बन रहे हैं। अभी यहाँ से सपोज ब्रेकआउट करता है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे एक लेवल बन रहा है, ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ तक का लेवल, फिर ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ तक का लेवल मिल सकता है, ठीक है। कितने पॉइंट दिखा रहे हो ये, 275 पॉइंट्स, इसको छोटा करना पड़ेगा और ओके, यहाँ पे ये हो गया एक लेवल, यहाँ पे एक ये लेवल हो गया, सो ऑल्दो ये लेवल्स जो है ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने बनाया है, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर धीमे धीमे मैं 5 मिनट पे आया, फिर 15 मिनट पे आया, फिर 1 आवर पे, फिर 4 आवर पे, सो उस हिसाब से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। और मेरी एनालिसिस बोलती है कि कल मार्केट फॉल कर सकता है, अगर फॉल किया तो ठीक है, अगर ये लाइन का ब्रेकआउट आया, स्ट्रॉन्ग अपसाइड ओपन हुआ तो बाइंग साइड जा सकते हैं, बट ऑल दो चांसेस, क्योंकि एक रेड कैंडल यहाँ फॉर्मेशन हुआ है, एक रेड कैंडल यहाँ फॉर्मेशन हुआ है, देन आज भी मार्केट साइडवेज हो गया है, और इंडिया विक्स भी इतना बढ़ा नहीं है, ग्रो नहीं किया है, सो इंडिया विक्स के हिसाब से जब तक इंडिया विक्स नहीं ग्रो करेगा तब तक ऑप्शन के प्रीमियम मूव नहीं करेंगे, तो उस हिसाब से वेट करो प्रॉपर मूवमेंट आने का, इलेक्शन के हिसाब से मूवमेंट्स नहीं आ रहे, सो वेट करना, और अभी फिलहाल यही सीनेरियो चल रहा है, सो शांति से, और वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको एनालिसिस सीखनी है, जिनको एनालिसिस करनी है, और वीडियो में कमेंट कर देना कि आप कहाँ से हो, कौन से स्टेट से हो, और आप निफ्टी बैंक करते हो, निफ्टी 50 करते हो, और भी इंडेक्सेस है वो करते हो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब।